हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो मैं बना रही हूँ दोपहर में। एक्चुअली हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और आज हम लोग जाने वाले हैं अपने ससुराल। ससुराल इसलिए जाने वाले हैं ना गाइस, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को धीरे धीरे लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है। मतलब लेबर पेन कह सकते हैं, फर्स्ट लेबर पेन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है ना कि जैसे दर्द होती है फिर दर्द बंद हो जाती है। तो मैंने डॉक्टर से बात करी है, डॉक्टर ने बोला जब आपको लगे कि अब किसी भी सिचुएशन में दर्द बंद नहीं हो रही है तो आपको फटाफट से हॉस्पिटल आना है। और गाइस, एक्चुअली बात यह है ना कि हमारी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने वीडियो देखी होगी जब लास्ट टाइम हम लोग घर गए हुए थे। एक तो मैं खांसी से बहुत परेशान हो गई इस बार। तभी मम्मी बोल रही थी कि रुक जाओ और अभी जो है मतलब मत जाओ, अब यहीं पे रुको। तो एक्चुअली क्या था कि हम लोग यहाँ पर दो लोग रहते हैं और आपको पता है कि मेरा हाथ इतना नहीं चलता है राइट वाला, कभी कभी ज़्यादा दर्द होने लगती है। तो इस वजह से हमने बोला कि मम्मी आप मतलब यहाँ पर संभाल लो, वहाँ हम दोनों लोग अपना संभाल लेंगे, क्योंकि अभी कोई खास प्रॉब्लम थी नहीं गाइज। और फिर उन्हें भी परेशानी होती, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अभी तो आराम से चल रही हूँ और मूवी वगैरह भी देखती हूँ, आप लोगों ने देखा ही है मेरे व्लॉग्स में। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ आ जाते हैं। तो हम लोग अपने रूम पे थे, बट अब क्या है ना कि पेन कंटिन्यूस जैसे रह रहा है, बहुत रह रहा है थोड़ी ज़्यादा देर के लिए और जा रहा है थोड़ी कम देर के लिए। और हम लोग जिस साइड रहते हैं इधर कैब वगैरह का भी थोड़ा इश्यू है, मतलब थोड़ा लेट आती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हेल्प नहीं होगी, यहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, हेल्प हो जाएगी मेरी इंस्टेंट, मुझे पता है। बट वही है ना कि घर की बात अलग होती है और दूसरी बात ये ना कि जो मेरी मतलब सासू माँ ससुर जी हैं, तो भाई वो भी दादा दादी बन रहे हैं तो उनकी भी खुशी थोड़ी अलग है। और हमारा फर्स्ट बेबी है, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई दादा दादी की खुशी हम लोग क्यों ऐसा करें। तो हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम लोग घर चलते हैं। और वहाँ पर भाई मम्मी हैं, उन लोग को भी एक्सपीरियंस है, हम लोगों को फर्स्ट बेबी है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी मेन बात कि क्या है ना कि वहाँ से हमारा हॉस्पिटल बहुत पास पड़ेगा और अभी तो यहाँ पर हस्बैंड को भी ज़्यादा काम पड़ जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों लोगों की तबीयत ख़राब है और उनको काम ज़्यादा पड़ जा रहा है, काम भी कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला, मैंने कहा आप मेरे को घर लेके चलो। और मैंने सामान वगैरह भी पैक कर लिया है मैंने उनको सुबह ही बोला था कि अगर मेरे को ज़्यादा पेन होगी तो मैं कैब करके और मैं घर चली जाऊंगी और आपको कॉल करूंगी तो आप डायरेक्ट ऑफिस से आइएगा। तो बोले कि ऐसा कांड मत करना, तो मुझे कॉल कर देना और जो है मैं अरेंज करा दूंगा, या फिर जो है क्या बोलते हैं शाम को चलेंगे अगर पेन नहीं होगा तो। गाइस अभी तो 3 बज रहे हैं, अभी मतलब ठीक ठाक है, अभी पेन मेरा बंद है। तो वही मैंने सारा सामान पैक कर लिया, बल्कि और आज शाम को तो निकलने ही वाले हैं, जाएंगे घर। और क्या है ना कि वहाँ से जो हमारा हॉस्पिटल है, मतलब हमारे ससुराल से जो मेरा हॉस्पिटल है वो काफ़ी पास है और वहाँ पे कैब का कोई इश्यू नहीं है। इनकेस अगर नहीं है कोई कार चलाने वाला तो इंस्टेंट ऐसे कैब बुक करूँगी, फटाक से आ जाएगी। तो इस वजह से भी घर जाना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ कोई केयर करने वाला भी नहीं रहता है दोपहर में, जैसा आप लोगों को पता है, क्योंकि पहले था कि हाँ हम लोगों को ऑफिस जाना रहता था और अब मैं घर पे रहती हूँ और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो एक इंसान मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, जब जब मेरे को पेन मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रह रहा है तब तो ठीक है, जब मेरे को पेन बढ़ रहा है तो मुझे फीवर आ जा रहा है और साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि चक्कर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इश्यू हो रहा है मेरे साथ में। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ से हॉस्पिटल भी पास है और हस्बैंड भी आ जाएंगे फटाक से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो वहाँ से मैं मतलब तुरंत चली जाऊँगी। और अब आप मेरे को तैयार देख रहे हो, मैं तैयार इसीलिए हूँ कि अगर मुझे कभी जाना पड़ेगा ना मैं यूँ निकल जाऊँगी इस वजह से मैं तैयार हूँ। एक्चुअली क्या है ना गाइस, पेन जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है और जब खांसी आ रही है ना तो भी प्रेशर पड़ रहा है। और जब आप एकदम लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर होते हो तो क्या होता है कि आपको यूरिन निकल जाता है, जब आप ज़्यादा तेज हाँस हो या ज़्यादा तेज खांस हो तो यूरिन तो निकल ही जाता है, बट साथ ही साथ में क्या होता है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पेन होता है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि अब तो हम घर जा रहे हैं और मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो भाई इतना परेशान करने की कोई ज़रूरत है नहीं उन्हें। तो हमने बोल दिया है कि भाई हम आ रहे हैं शाम को, और हमने बोल दिया कि हम कभी भी आ रहे हैं मैंने बोल दिया, भाई मैंने कहा कि अगर मैं प्रॉब्लम होगी तो मैं आ जाऊँगी दोपहर में भी, अदरवाइज फिर शाम को हस्बैंड के साथ आएंगे, कैब वगैरह कर लेंगे आराम से। पैकिंग मैंने सारी कर ली है और गाइस डर भी लग रहा है क्योंकि क्या है ना यार, फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा अलग किस्म का होता है। जैसे फर्स्ट टाइम वोट देने जाते हैं ना,
वैसा वाला सीन हो रहा है, मतलब थोड़ी सी एंजाइटी है, थोड़ा सा टेंशन है, और मतलब हर चीज़ें मिक्स्ड वाली हैं। हस्बैंड बोल रहे भाई तुम टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि टेंशन लेने से मुझे माइग्रेन हो जाता है, फिर थोड़ी सिचुएशन और बिगड़ सकती है। और डॉक्टर ने भी बोला है कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, और मैंने डॉक्टर से मैंने भी बोला है कि मैम जहाँ तक हो सके बहुत जेंटल करिएगा हर एक चीज़ें, मतलब उस सिचुएशन में मुझे मत लेके जाइएगा जिसे बोलते हैं ऑपरेशन या सी सेक्शन। तो डॉक्टर भी समझ रही हैं चीज़ों को, क्योंकि क्या है ना कि मतलब एक अजीब सा डर है इंजेक्शन से, तो इस वजह से मैंने बोला कि डॉक्टर जितना हो सके प्लीज़ बी जेंटल। और उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है, बट वही है ना कि अलग तरीके के डर है। डॉक्टर को भी कहना है कि भाई डरो वरो नहीं, कोई फायदा नहीं है इन सारी चीज़ों का। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर बीपी ऊपर नीचे होने लगता है, जब आपका बीपी ऊपर नीचे होता है तो बीबी के हार्ट बीट जो हार्ट रेट होता है वो गिरने लगता है। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला अभी तक हेल्दी थी, अब उसको खराब मत करो, तुम आराम से रहो। तो गाइस बस अब मैं ऐसे तैयार हूँ, अभी तक तो ठीक हूँ, शाम के 3-4 कुछ बज रहा है, मैंने टाइम अभी इंस्टेंट नहीं देखा है कितना बज रहा है। तो 7:30-8 बजे तक हस्बैंड आएंगे, फिर हम लोग घर निकल जाएंगे आराम से। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैंने हॉस्पिटल बैग वगैरह भी पैक करा है, तो अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, और अदरवाइज अगर मैं वीडियोस वहां पे कंटिन्यू रख पाई तो रखूंगी, वरना मैंने बैकपैक वगैरह की वीडियोस बना रखी हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा और उस पर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आप हमारे नन्हे मेहमान से मिलना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। और भाई अभी मैं घर आ गया हूँ ऑफिस से, और आज हम लोग जाने वाले हैं घर। और ये देखो प्रिया पहले से तैयार हो चुकी हैं। कहाँ जाने की तैयारी है? घर घर की ससुराल। वो घर और ससुराल सब एक ही है मेरा। तो गाइस फाइनली पैकिंग इन्होंने कर रखी है बहुत अच्छे से, बेबी का भी पैक कर दिया, अपना भी पैक कर लिया, मेरा भी पैक कर लिया। बट एक चीज है जो थोड़ा सा सेंटिमेंटल कर दी है मुझे, वो है ये इन हमारे लोगों को बच्चे हम यहाँ नहीं ले जा पा रहे हैं। रहने बट क्या है ना कि इनमें से एक पोस्ट हमने रख लिया है, वो ले जाएंगे घर पे, और बाकी सब लोग यहाँ पर वेट करेंगे और बहुत जल्दी आ जाएंगे मेहमान। तो लेकर आएंगे उनको। और गाइस पता है पहली बार बेबी के सामान ज्यादा है और हम लोग के सामान कम है, वरना हमेशा ये कहते थे तुम्हारा सामान ज्यादा है मेरा सामान कम है। मैंने कहा इस बार बेबी का सामान ज्यादा है, मेरा सामान बिल्कुल कम है। तो ठीक है गाइस, यार बहुत सारी यादें हैं, मन तो नहीं करता जाने का, बट क्या करें यार, जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ से हॉस्पिटल थोड़ा दूर पड़ता है और घर से थोड़ा पास पड़ेगा, तो रिस्क नहीं लेना है कुछ भी। हाँ और घर पे थोड़ा एक्चुअली सा क्या है, मम्मी भी बोल रही थी आ जाओ हम लोग, काफी टाइम से क्या है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता यार आने जाने का, तो बस इसी वजह टलता रहा। बट फाइनली आज हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। हाँ, और गाइस फर्स्ट बेबी है तो बोलते हैं ना मतलब 0% का एक्सपीरियंस है। मैं घर की बड़ी हूँ, ये घर के बड़े हैं, बट मतलब इतना हम लोग बच्चों में इन्वॉल्व नहीं रहे कि अरे बच्चा हुआ है तो थोड़ा सा केयर कर ले, तो इस वजह से हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो बस तो सब ठीक है, और लोग फाइनली जो देखा। पैकिंग हुई है भाई, खतरनाक पैकिंग हुई है, ये दिखाते हैं आपको हम। ये है बेबी का पूरा भाई, पूरा पैक है, एक इसमें है और एक इसमें है, और हम लोगों के कपड़े इसमें हैं। इसमें मेरे हैं, इसमें प्रिया के हैं, और पर्स में थोड़े बहुत कपड़े आ गए थे, और थोड़े से शायद इसमें प्रिया के पड़े होंगे, है हाँ थोड़ी ना। बहुत है। तो ठीक है गाइस, फाइनली पैकिंग हो गई यार, हम लोग घर निकल रहे हैं यार, और कैब बुक कर देते हैं, जब तक कैब आ जाएगी तब तक हम लोग सामान नीचे उतार लेंगे। हाँ तो फाइनली गाइस हम लोग घर जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी सेंटिमेंटल लग वाला भी है, रहा क्या यार है। इतने दिन से हम लोग यहाँ पे हैं। और बट कोई बात नहीं गाइस, हम लोग उस वाले घर से भी ब्लॉग बनाते रहेंगे, आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलता रहेगा। और क्या, और गाइज आज का व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि अब हमारा बेबी कभी भी आने क्योंकि हम वाला लोग फुल है। तैयारी में हैं, बस आप लोग तैयारी कर लीजिए मेहमान की। तो मेहमान के स्वागत की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते प्यार रहते बांटते रहते रहिए। हैं, बाय। बाय।